अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस ग्लोबल पैंडमिक सिचुएशन के अंदर हमने आपके लिए ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं वो प्रिपेयर किए हैं, जिसके थ्रू हम आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और उस सिलसिले में हमारा बीकॉम पार्ट वन के साथ ये फर्स्ट सेशन है। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले से लिंक्ड अप थे स्टार्टिंग से, ठीक है जी, उनके लिए समझ लें स्टार्टिंग के जो सेशंस हैं वो रिवीजन सेशंस बन जाएंगे। और कुछ जो थे वो स्टूडेंट्स जो थे वो बाद में हमारे साथ ज्वाइन किया था उन्होंने, जिन्होंने फर्स्ट टॉपिक से जो है वो नहीं पढ़ा था, इनिशियली फर्स्ट टॉपिक से जिन्होंने नहीं पढ़ा था, तो इस सेशंस की मदद से वो अपने उन टॉपिक्स को कवर भी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले से लिंक्ड अप थे, जिन्होंने स्टार्टिंग में क्लासेस ली थी, तो उनके लिए यहाँ पे क्या होगा, एक रिवीजन का जो है वो मामला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये करंट टॉपिक बन जाएगा, और पुराने स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये रिवीजन बन जाएगा, ताकि ये जो आपका गैप डेवलप हो गया है कि कुछ लोगों ने जो है वो ऑनलाइन सेशंस जब बीच में हमने कंडक्ट किए और कुछ ने लिए और कुछ नहीं ले सके, जो भी वजूहात थी, तो जिन्होंने नहीं लिए उनका भी एक रिवीजन हो जाएगा। और जो आपका एक गैप डेवलप हो गया था, तो इंशाल्लाह अब इन लेक्चर्स के थ्रू, इन रिकॉर्डिंग सेशंस के थ्रू जो है वो आपका गैप कवर अप करके हम इंशाल्लाह पेपर्स की प्रिपरेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। इस सेशन के अंदर हम बिज़नेस मैथमेटिक्स, ठीक है, बिज़नेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बीकॉम पार्ट वन का ये हमारा फर्स्ट सेशन है, जिसके अंदर हम थोड़ा सा पेपर का ओवरव्यू लेंगे और फिर हम जो है वो अपने एक टॉपिक की तरफ जो है वो मूव ऑन करेंगे। जो हमारा सब्जेक्ट है बिज़नेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसे आप नॉर्मली कहते हैं बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स। बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स आपके पास जो है पेपर के फॉर्मेट के अंदर अगर हम देखें, तो हमारे पास इसके अंदर तीन सेक्शंस आते हैं। दैट इज, फर्स्ट आपका होता है सेक्शन ए, दूसरा आपका होता है सेक्शन बी, और तीसरा है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी ए जो होता है आपके पास वो कवर करता है आपके बिजनेस मैथ्स के पार्ट को, ठीक है जी। सेक्शन बी जो होता है आपका वो बिजनेस स्टैट्स, ठीक है जी। और बिजनेस स्टैट्स के अंदर हमारे पास जो पार्ट इसका डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है जी, डिस्क्रिप्टिव पार्ट एक स्टैट्स का होता है। जब हम स्टैट्स की तरफ मूव करेंगे तो हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सेक्शन सी जो होता है वो बिजनेस स्टैट्स के अंदर ही दूसरा पार्ट होता है, ठीक है जी। वो बिजनेस स्टैट्स क्या आएगा आपके पास, वो पार्ट कहलाता है इन्फेरेंशियल का पार्ट, ठीक है जी, जिसके अंदर हम डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका एक शॉर्ट हम रिव्यू कर रहे हैं कि आपके पेपर में जो है वो क्या क्या चीज़ें आती हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका, ठीक है, और 100 मार्क्स के पेपर में सेक्शन ए 20 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी 40 मार्क्स का होता है, सेक्शन सी आपका 40 मार्क्स का होता है, ओके। तो सेक्शन ए आपका बिजनेस मैथ्स वाला पार्ट है, ठीक है जी। और स्टैटिस्टिक्स आपकी दो मेन पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक कहलाती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक कहलाती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो जो आपका सेक्शन बी और सी है उसको स्टैट्स के उन्होंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। सेक्शन बी के अंदर डिस्क्रिप्टिव पार्ट को सॉल्व करना होता है, ठीक है, जो कैलकुलेशन बेस होता है, और सेक्शन सी के अंदर जो है वो टॉपिक्स होते हैं जो डिसीजन मेकिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। यानी सेक्शन बी के अंदर जो टॉपिक नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं वो आपने अपने मेट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉमर्स वगैरह अगर पढ़ कर आए हैं आप, तो उसके अंदर नॉर्मली आपने मीन मीडियन मॉड का नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो जो टॉपिक्स हैं वो सेक्शन बी के अंदर आते हैं, और हम अभी इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अभी हमारा फोकस सेक्शन ए पे होगा, ठीक है। ये मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ आपको सेक्शन बी एंड सी का। और सेक्शन सी के अंदर जो आपके पास चीज़ें आती हैं वो आपके पास आती है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का नाम आप सबने सुना होगा, प्रोबेबिलिटी जो होता है वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होती है, वो इसलिए सेक्शन सी में आती है। हम अपने सेशंस को लेके जाएंगे, जितने टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं, ठीक है जी, हम यहाँ पे अपने आपको रिकॉर्डेड लेसन्स के थ्रू जो है वो अपने टॉपिक्स को कवर करके ये चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और इंशाल्लाह जब हमारा जो है वो ये सिस्टम जो है वो रिज्यूम हो जाएगा, तो उसके अंदर फिर हम जो है वो आपको इसका एक रिव्यू करके, ठीक है जी, और आपकी प्रिपरेशन जो है वो और मज़बूत और अच्छी करवा सकते हैं, ठीक है।
तो आज जो हमें फोकस करना है, आज हमने जो है वो सेक्शन ए स्टार्ट करना है, यानी बिजनेस मैथ्स वाला पार्ट स्टार्ट करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ आपके पास क्या होगा, यहाँ आपके पास जो है वो हम वो चीज़ें टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो हमने जहाँ से स्टार्ट लिया था। तो वो लोग जो ये पहले पढ़ चुके हैं उनका ये रिविजन हो जाएगा, और कुछ स्टूडेंट्स जो थे जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया था तो उन्होंने अपना फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे साथ नहीं डिस्कस किया था, जिसे हमने बाद में डिस्कस करना था। तो आज हम जो है वो वहीं से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बिगनिंग, ताकि उनका जो है वो फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो जाए, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो, और जो ये पढ़ चुके हैं उनके लिए ये रिविजन क्रिएट हो जाएगा। सेक्शन ए के अंदर आपके पास तीन टॉपिक्स हैं बिजनेस मैथ्स के अंदर। एक है आपके पास दैट इज़ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास जो है, जो इंटर साइंस कर कर आए उन्होंने पढ़ा हुआ होगा, सही है, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। सेकंड आपके पास जो है वो क्या है, जो इंटर कॉमर्स कर कर आए हैं, इंटर साइंस कर कर आए हैं, दोनों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ होगा। अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। सेकंड मेन टॉपिक आपके पास जो है वो क्या है, दैट इज़ द मैट्रिसेस, ठीक है जी। मैट्रिसेस तो आप सब पढ़ कर आते हैं, मेट्रिक क्लास में भी पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर कॉमर्स हो या प्री इंजीनियरिंग हो, कोई भी आप पढ़ो तो ये मैट्रिसेस के बगैर जो है वो आपका गुजारा नहीं होता, ठीक है जी। मैट्रिसेस साइंस और कॉमर्स दोनों के अंदर आते हैं। और थर्ड टॉपिक आपके पास जो है वो आपके पास डेरिवेटिव्स का है, ठीक है जी। डेरिवेटिव्स, ये तीन टॉपिक्स हैं आपके पास जो बिजनेस मैथ्स के अंदर हमने जो है वो पढ़ने होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेट्रिसेस एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। इनसे जो आपका सेक्शन ए है इसके अंदर तीन सवाल आते हैं, और उन तीन सवालों में से जो है वो टू क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अब इसके अंदर ये जो तीनों टॉपिक्स हैं, ये तीनों टॉपिक्स पढ़ने इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3, इनके अंदर पार्ट्स बने हुए होते हैं। पार्ट ए, क्वेश्चन 1 का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए एंड पार्ट बी। और वो जो पार्ट्स में होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कोलैबोरेटेड जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं, यानी एक पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है तो दूसरा पार्ट मैट्रिसेस से है, अगर एक मैट्रिसेस से है तो दूसरा डेरिवेटिव से है। तो इसके अंदर आपके पास कोई चांस ऐसा नहीं है अभी कि आप इन तीनों में से कोई टॉपिक को जो है ना वो लीव ऑन कर दें। और ये इतने मुश्किल टॉपिक्स नहीं हैं, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये पार्ट जो है वो आपका इजीली कवर अप हो जाएगा। तो आज जो हमने स्टार्ट करना है, बेसिकली आज हमारा टारगेट जो है वो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो नाउ वी विल मूव टू आवर टॉपिक दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है आपके पास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपके पास मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, ठीक है जी, जिसके अंदर आपके पास जो है वो आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है जी। हम इसको जनरल ओवरव्यू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली है तो बहुत आपका इन्हांस टॉपिक, बट यहाँ बीकॉम के लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है जी, हमने जो है वो उनको फॉलो करना है। इटसेल्फ जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उस टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, बट जो चीज़ें आपके टॉपिक यानी आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं हैं हम उन चीज़ों को यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस वो चीज़ें हैं इस टॉपिक की कि जो आपके कोर्स का हिस्सा हैं, ठीक है, जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली किसको कहते हैं, आपके पास जो आपका ग्राफ होता है इसके अंदर आपके पास दो एक्सिस होते हैं, ठीक है जी, एक एक्स एक्सिस कहलाता है और एक वाई, ये दोनों जहाँ मिलते हैं वो आपका कहलाता है ओरिजिन, ठीक है। लेफ्ट पे जो होता है आपका नेगेटिव एक्स होता है, और राइट पे जो ऊपर आपका पॉजिटिव वाई होता है और नीचे आपका नेगेटिव वाई होता है, ठीक है जी। अब यहाँ आपके पास क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ इस ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हैं, लेट सपोज कि अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट करें, ठीक है जी, तो ये जो पॉइंट है ये इसमें एक्स की कोई वैल्यू होगी, ठीक है जी, और कुछ वैल्यू वाई की होगी। तो यहाँ आपके पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यहाँ आपके पास इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ये एक्स और वाई की, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब ही क्या है, आपके पास
यहाँ पे को का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएं। तो यहाँ जब पॉइंट बनाते हैं हम, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, एक एक्स और एक वाई, इसीलिए इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, अच्छा अब अगर कोई पॉइंट आपका जो है वो यहाँ लाई करेगा, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ आपके पास वैल्यू एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी और वाई की वैल्यू क्या होगी आपके पास पॉजिटिव। ये आपका कहलाता है दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी, और ये कहलाएगा आपका दैट इज कॉल्ड द सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह अगर आपके पास कोई वैल्यू यहाँ लाई करती है ग्राफ के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये आपके पास एक्स तो नेगेटिव होगा और वाई भी क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी वाई भी नेगेटिव है एक्स भी नेगेटिव है इस कोऑर्डिनेट के अंदर, जिसे आप आम जबान में ग्राफ के ऊपर पॉइंट भी कह सकते हैं। तो पॉइंट ग्राफ पे जब भी प्लॉट किया जाता है तो उसके अंदर एक एक्स की वैल्यू होती है और एक वाई की वैल्यू होती है, जिसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कोऑर्डिनेट कहते हैं। और ये जो ग्राफ होता है आपका बेसिकली दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेट सपोज ये जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आई, ये आ जाएगी, इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड। फिर आ जाते हैं हम आपके इस पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर इस रीजन के अंदर कोई पॉइंट लाई करेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी यहाँ पे और यहाँ आपके पास x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये आपका कहलाता है दैट इज कॉल्ड द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमने समझने के लिए चार पॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट जगहों के ऊपर प्लेस किए हैं। ठीक है, ये जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये स्टैंडर्डाइज आपके पास लोकेशंस हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि फर्स्ट की जगह पे जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाए, फोर्थ की जगह पे जो है वो थर्ड आ जाए, थर्ड की जगह पे सेकंड क्वाड्रेंट आ जाए। अच्छा अब यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, जब हमने इसको देख लिया तो अब हमें एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू लाई करेगी तो इट मींस कि वहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू लाई करेगी, इसका मतलब क्या है कि वो एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, यानी अगर आपको कभी ये एक्स और वाई की फॉर्म में कोई पॉइंट नज़र आए और वो दोनों वैल्यूज़ माइनस में शो हो रही हो, तो आप उसको फौरन देख के समझ सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो ग्राफ के थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। ठीक है जी, इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, आपके पास एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है, तो ये क्या शो कर रहा है आपको, ये शो करेगा आपके पास वैल्यू लाई कर रही है आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये बताने का मकसद क्या है, ये बताने का मकसद क्या है कि आप किसी भी पॉइंट को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पॉइंट जो है वो हमारे पास कहाँ लाई करेगा। ठीक है, लेट सपोज कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एक पॉइंट, यहाँ पे मेंशन करते हैं 2 and -5। अब 2 and -5 अगर आपसे कहा जाए कि 2 and -5 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आपने देखा x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव आपके पास लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, आपने मेंशन कर दिया इट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जनरली ये आपके पास क्या है, एक बेसिक नॉलेज आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम की होनी चाहिए कि आपके पास जो है वो कोई भी पॉइंट को देखकर आपसे अगर कोई पूछते हैं कि ये पॉइंट जो है वो ग्राफ पे किस क्वाड में लाई करेगा, तो आप फौरन बता दें कि ये पॉइंट को देखा आपने दोनों नेगेटिव हैं, तो आप फौरन उसको कहें कि ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ठीक है जी, दूसरी मेन चीज़ आपके पास क्या है, यहाँ पे दूसरी मेन चीज़ ग्राफ के हिसाब से आपको याद रखनी है कि ग्राफ पे जो भी पॉइंट होता है, ठीक है जी, वो सिर्फ अपने ही बराबर होता है, वो किसी और पॉइंट के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम ग्राफ पे कोई पॉइंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पॉइंट ले लिया 3 and 4, ठीक है, और हमसे सवाल क्या किया कि अगर 3 and 4 हम कहें कि क्या 3 and 4 बराबर है -3 and 4 के, ठीक है जी, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा कि नहीं, ये बराबर नहीं हो सकते। ठीक है जी, क्यों बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे होंगे, यहाँ पे x नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। बिल्कुल समझ लें, ये ऐसा है कि ब्लॉक का फ़र्क हो गया। ठीक है जी, एक घर जो है वो ब्लॉक 1 में है और एक घर जो है वो ब्लॉक 2 में, बट दोनों घरों का जो नंबर है, दोनों घरों का नंबर सेम है। ठीक है जी, देखने में नंबर सेम नज़र आ रहा है, मगर सिर्फ ब्लॉक के डिफरेंस से क्या हो जाएगा, उनकी लोकेशन
चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, इसी तरीके से अजम्पशंस और भी आ जाएंगी इसके अंदर। वो अजम्पशंस क्या हैं, अगर कहा जाए क्या क्या 3 4 3 और माइनस 4 के बराबर है, फिर आपका जवाब क्या होगा, फिर आपका जवाब होगा कि नहीं ये बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लोकेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद अगर आपसे सवाल किया जाए क्या 3 4 जो है वो -3 -4 के बराबर है, तो इस पर भी आपका जवाब क्या होगा, नहीं, क्योंकि 3 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है जी, और -3 -4 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इट मींस कि ये दोनों की लोकेशन क्या हो गई, चेंज हो गई, तो ये दोनों आपस में सेम नहीं हो सकते। अच्छा, देन फिर एक सवाल आता है कि क्या 3 4 जो है वो 4 3 के बराबर हो सकता है, यहाँ आके जो है वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है जी, क्या 3 4 जो है वो 4 3 के बराबर हो सकता है, नहीं। ठीक है जी, स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था कि ग्राफ पे जो भी पॉइंट होता है वो सिर्फ अपने बराबर हो सकता है, वो किसी और पॉइंट के बराबर नहीं हो सकता। ये क्यों आपस में बराबर नहीं हो सकते 3 4 और 4 3, अब आपके पास एक रीज़न तो सेम था यहाँ पे कि 3 4 दोनों प्लस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, 4 3 दोनों प्लस में ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल ऐसे समझ लें आप कि आप एक ही महल्ले में जो है वो आपके पास एक घर का नंबर है 48 और एक घर का नंबर है 84, तो क्या वो दोनों जो है वो एक ही घर होंगे, नहीं, वो दोनों एक ही घर नहीं हो सकते, उनकी लोकेशन क्या होगी, एक ही विसिनिटी के अंदर एक ही एरिया या एक ही ब्लॉक में होंगे, मगर उनकी पोजीशंस जो है वो एंटायरली डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है जी, यही तरीक़ेकार यहाँ पे भी होगा कि 3 4 जो है वो 4 3 के बराबर नहीं हो सकता। तो 3 4 किसके बराबर होगा, अब ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई, 3 4 जो है वो आपके पास बराबर होगा किसके, 3 4 के। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये कि ग्राफ के ऊपर एक तो आपके पास कितने 4 क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं। ठीक है जी, 4 क्वाड्रेंट्स पे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू, कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये बेसिक्स के लिए बात कर रहे हैं हम। ठीक है जी, इसका कोई पर्टिकुलर सवाल से ताल्लुक़ नहीं है, ये इसके लिए हम बता रहे हैं कि अगर आप किसी से कोई बात कर रहे, कोई आपसे कोई पूछे, तो ये बेसिक नॉलेज जो है वो कोऑर्डिनेट की आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्वाड्रेंट्स की आइडेंटिफिकेशन देख ली, और हमने एक और मेन चीज़ ये डिस्कस कर ली यहाँ पर कि हमारे पास जो भी पॉइंट ग्राफ पे अब लिखा जाता है वो सिर्फ अपने ही बराबर होता है, वो किसी और पॉइंट के बराबर नहीं होता। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, हमने क्या चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने दो हिस्सों में चीज़ों को पढ़ना है। एक पार्ट इसका जो पढ़ना है वो है लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है जी, एक पार्ट जो है वो लीनियर इक्वेशंस से रिलेटेड है, और एक पार्ट जो है वो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से रिलेटेड है। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपने दो चीज़ें डिस्कस करनी हैं वो क्या हैं आपके पास, एक लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है जी, और एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं क्या, हम अपना लीनियर इक्वेशंस का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और लीनियर इक्वेशंस के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, लीनियर इक्वेशंस के अंदर इटसेल्फ और इक्वेशंस के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं, वो भी जो है वो हम इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। वो क्या क्या है, नंबर वन आपके पास डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मींस के जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ग्राफ बना के दिखाया था, उसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर हमने पॉइंट प्लेस किए थे, तो जो दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस है, ठीक है जी, दो पॉइंट्स के दरमियान के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। और वो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपके पास, डी इक्वल्स टू x2 - x1 होल स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और ये पूरा स्क्वायर रूट में आएगा। ये जो आपके पास x2 और x1 की वैल्यू है, बेसिकली ये x2 जो है और x1 नंबरिंग है, ठीक है जी,
यहाँ आपके पास क्या शो कर रहा है, X1, Y1 एक पॉइंट शो कर रहा है, X2 और Y2 एक पॉइंट को शो कर रहा है, जैसे हमने अभी ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स लिखे थे। दूसरी चीज़ आपके पास क्या है, दूसरी चीज़ है आपके पास, दैट इज द स्लोप। स्लोप क्या होता है आपके पास, दैट इज M = Y2 - Y1/X2 - X1। ठीक है जी, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है कि आपका रेट ऑफ चेंज क्या है, जो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं उसके अंदर रेट ऑफ चेंज क्या होगा। Y2 - Y1 और अपॉन X2 - X1, Y2 - Y1 का मतलब कितना चेंज आ रहा है Y1 से Y2, यानी पॉइंट वन से पॉइंट टू पे जो जा रहे हैं आप, उसमें क्या चेंज डेवलप हो रहा है, उसको हम यहाँ पे नाम देते हैं किसका, स्लोप का। तो स्लोप का फॉर्मूला है, उसके अंदर भी हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, टू पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। देन उसके बाद तीसरी चीज़ आपके पास जो है यहाँ पर वो क्या है, थर्ड चीज़ आपके पास जो है वो है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो है आपके पास, वो तो नाम से समझ में आ रहा है, दो पॉइंट्स के दरमियान का अगर मुझे पॉइंट निकालना है, ठीक है जी, तो मैं उसको लिखता हूँ कैसे, मिड पॉइंट के लिए मैं लिखता हूँ XY, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, X1 + X2/2 एंड Y1 + Y2/2। ठीक है जी, ये हो गई हमारे पास तीन बेसिक चीज़ें, दो दो पॉइंट्स यूज़ करते हुए डिस्टेंस फार्मूला भी निकाल सकते हैं आप, स्लोप भी निकाल सकते हैं और मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं। इसका सवाल जो है वो पेपर में भी आता है, ठीक है। इसी के अंदर फोर्थ चीज़ क्या आएगी हमारे पास, द फोर्थ वन इज इक्वेशन बनाना, ठीक है जी। और इक्वेशन बनाने के लिए सब इसके अंदर जो चीज़ें हैं, वो पहली चीज़ है आपके पास क्या है, पहला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, डेट इज़ कॉल टू पॉइंट फॉर्म, ठीक है जी। टू पॉइंट फॉर्म का मतलब ये क्या है, नाम से समझ में आएगा आपके, कि इक्वेशन फॉर्मेशन, इक्वेशन बनानी है हमने टू पॉइंट फॉर्म की मदद से, यानी आपके पास इक्वेशन फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, इक्वेशन फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास दो पॉइंट्स अवेलेबल होंगे। तो आपके पास इक्वेशन फॉर्मेशन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड लिख लेते हैं, AX + BY + C = 0। इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, AX + BY + C, दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। यहाँ आपके पास x और y जो है वो इक्वेशन का x और y है। अब हम देखते हैं कि टू पॉइंट फॉर्म क्या होगी, टू पॉइंट फॉर्म होगी Y - Y1/Y2 - Y1, X - X1/X2 - X1, ठीक है जी। तो यहाँ आपके पास X1 एंड Y1 आपके क्या है, दैट विल बिकम योर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है जी। और X2 और Y2 हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम आवर सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इक्वेशन फॉर्मेशन का दूसरा तरीका क्या है, दैट इज कॉल पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्लोप अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, ठीक है जी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल द स्लोप। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, Y - Y1 = M X - X1। यहाँ आपके पास जो दो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है, X1, ठीक है जी, एंड Y1, ये आपका पॉइंट है जो गिवन होगा आपको, और M आपके पास क्या होगा, स्लोप। ये दो चीज़ें जो यहाँ पे लिख रहे हैं वो गिवन होंगी आपको, जिसकी मदद से आप क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, थर्ड पार्ट आपके पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अच्छा जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, Y = MX + B, ठीक है जी। अब क्या हो गया कि यहाँ आपके पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ आपको M दिया उन्होंने क्या, स्लोप, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या दी है, B क्या है आपके पास, B इज योर
वाई इंटरसेप्ट, ठीक है जी। अब इंटरसेप्ट क्या चीज़ होती है, इंटरसेप्ट समझ लेते हैं यहाँ पे छोटा सा। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, अगर कोई लाइन क्या होगी वाई एक्सिस को कट करे, ठीक है जी। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी, जिस पॉइंट पे कट कर रही होगी उस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, ठीक है जी। उस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो, और इसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। यानी इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, अगर वाई इंटरसेप्ट की बात की जाएगी तो इसका मतलब है उस पॉइंट पे एक्स ज़ीरो है, ठीक है। तो अब ये क्या है हमारे पास, तीसरी तरीका है इक्वेशन बनाने का। फोर्थ वन आपके पास क्या है, दैट इज कॉल टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म, अब तो नाम से समझ में आ जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट यूज हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पे जो चीज़ हमें गिवन होगी वो क्या होगी, x इंटरसेप्ट, ठीक है, और b दैट इज दी y इंटरसेप्ट, ठीक है जी। अब इंटरसेप्ट थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, इंटरसेप्ट क्या है, अगर x इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट जहाँ पे y ज़ीरो होगा, और आसान लफ्ज़ों में समझ लें x इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कि जब कोई लाइन जो है वो आपके पास क्या करे, x एक्सिस को कट करे, ठीक है। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, y इंटरसेप्ट का मतलब है कि जहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो हो, और इसका मतलब क्या होगा कि वो लाइन जो है वो y एक्सिस को उस पॉइंट से कट कर कर जा रही है, ओके। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन के अंदर जो चीज़ें हमने यूज़ करनी हैं, हमने वो आपको यहाँ पर लिखकर प्रोवाइड कर दी है। तो इससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी कि आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन का जो पार्ट है आपका एक, वो इससे कवर हो रहा होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का एक पार्ट इस टॉपिक से कवर हो रहा होता है, तो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो आपको आनी चाहिए, ओके। तो अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हम सवाल ले लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स 5, 7 एंड 8-3 फाइंड। कॉम्प्रिहेंसिव सवाल लिख रहे हैं हम, तो इसके अंदर हम ले लेते हैं फाइंड डिस्टेंस, स्लोप एंड मिड पॉइंट, ठीक है। ये हमने पहले लिखा था, अब हम उसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चले कि इसको हमने करना किस तरीके से है। डिस्टेंस, स्लोप एंड मिड पॉइंट, ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। यानी हमने क्या कर दिया, टू पॉइंट फॉर्म से जो जो पॉसिबल आपके पास क्वेश्चन बन सकता था, हमने वो सवाल जो है वो क्या कर दिया, यहाँ पे जॉट डाउन कर लिया, ताकि एक सवाल से आपको कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग मिल जाए। अब हम उसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में हम कैसे लिखेंगे भाई, सॉल्व करने में हम लिखते हैं जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था x1 एंड y1 दैट इज 5, 7, और दूसरा पॉइंट था x2 और y2 दैट इज 8-3। तो आपकी आसानी के लिए हम यहाँ पे एक और स्टेप कर लेते हैं कि जो आपकी x1 की वैल्यू है वो किसको शो कर रही है, x1 की वैल्यू है वो शो कर रही है 5 को, y1 किसको शो कर रहा है, y1 शो कर रहा है 7 को, ठीक है, x2
शो कर रहा है 8 को और Y2 शो कर रहा है -3 को, ताकि जब हम फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज इनपुट करें तो आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी, तो नंबर वन हमने क्या लिखा, नंबर वन हमने लिखा यहाँ पे डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है जी। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू किस में आ रही है, ये पूरी वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट में। अगर मैं इसकी वैल्यू को पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, अब ये x2 की वैल्यू आपके पास कितनी थी 8, ठीक है जी, माइनस x1 की वैल्यू कितनी थी 5, और ये ब्रैकेट बंद, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है आपके पास -3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है आपके पास 7, और ये हो गया इसका होल स्क्वायर। अब आपके पास अगर कोई वैल्यू माइनस में आ रही होगी तो आपको ये याद रखना है उस वैल्यू माइनस वैल्यू को आप इटसेल्फ एक ब्रैकेट में रख के सॉल्व करें, ताकि उसकी माइनस की साइन से अगर कोई साइन चेंज हो रही हो तो फिर आपको वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, डिस्टेंस की वैल्यू 8 - 5 विल बिकम 3 का स्क्वायर प्लस -3 - 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बड़े नंबर की रहेगी, -10 का स्क्वायर, देन उसके बाद 3 का स्क्वायर विल बिकम 9, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 10 का स्क्वायर विल बिकम 100। तो जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है वो कितना है, दैट इज 109। उसके आगे हम मेंशन करते हैं यूनिट्स, क्योंकि कोई भी ग्राफ पे जो वैल्यू होती है वो किसी ना किसी स्केल से रिलेटेड होती है, मेजरिंग स्केल होता है कोई ना कोई उसका, वो सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, या फीट होगा, कोई भी आपका मेजरिंग स्केल हो सकता है। बट जब हमारे पास जनरल क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर क्या है, आपके पास जो ग्राफ जिस पॉइंट पे बना हुआ है, जिस स्केल पे बना हुआ है, अगर वो आइडेंटिफाई नहीं हो तो डिस्टेंस के अंदर हम क्या करते हैं, आगे एक लफ्ज लिखते हैं यूनिट्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जिस ग्राफ का भी, जिस स्केल का भी ये ग्राफ है, वही यहाँ पे यूनिट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हम अपनी सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ, ठीक है। तो सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी भाई, सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी थी स्लोप की। अच्छा जी, स्लोप देख लेते हैं। अब स्लोप का फॉर्मूला था, हमने लिखा m = y2 - y1 / x2 - x1। ये जो तमाम चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं रिक्वायर्ड में, वो तमाम चीज़ें किसको फोकस कर रही हैं, ये तमाम चीज़ें फोकस कर रही हैं टू पॉइंट्स रिलेटेड वैल्यूज़ को। तो डिस्टेंस के लिए भी टू पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट थी, स्लोप के लिए भी टू पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो m क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, y2 की वैल्यू कितनी आ रही है, y2 की वैल्यू हो गई -3, ठीक है जी, माइनस y1 की वैल्यू कितनी आ रही है 7, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है आपके पास 8, ठीक है, और x1 की वैल्यू हो गई -5। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, 7 + 3 = 10, साइन बड़े नंबर की रहेगी, 8 - 5 विल बिकम, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई क्या, ये वैल्यू आ गई आपके पास स्लोप की। स्लोप क्या हो रहा है आपके पास, -10/3। स्लोप की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव भी आ सकती है, स्लोप की वैल्यू आपके पास नेगेटिव भी आ सकती है, ठीक है जी, क्योंकि स्लोप क्या है आपका, रेट ऑफ चेंज है, ठीक है जी। पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज, अगर ये प्लस में आता तो इसका मतलब होता पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज। पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है कि अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही होगी, या एक वैल्यू कम होगी तो दूसरी वैल्यू भी कम होगी, यानी सेम रिलेशन होगा, तो वो पॉजिटिव स्लोप कहलाता है। अगर आपके पास नेगेटिव स्लोप आ जाए किसी वैल्यूज़ के दरमियान, तो ये क्या शो करता है आपको, ये शो करता है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ करी जाएगी, मिसाल के तौर पे एक्स की वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो वाई मेरा क्या हो रहा होगा, वाई की वैल्यू मेरी डिक्रीज़ हो रही होगी। ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के दरमियान, अगर आपके पास क्या हो जाए, स्लोप क्या हो जाए आपका, नेगेटिव हो जाए, ठीक है। अगर जनरलाइज वे में समझाया जाए आपको, तो जो प्राइस और डिमांड होती है उनके दरमियान जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, कि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही होती है तो स्लो उसका जो डिमांड होगी उस चीज़ की वो क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो उनके दरमियान अगर हम रिलेशनशिप निकालेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव स्लोप आएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ आपको मार्केटिंग और सेल्स, तो मार्केटिंग और सेल्स के दरमियान क्या है, पॉजिटिव स्लोप का रिलेशनशिप होता है,
कि अगर मार्केटिंग इंक्रीज करेंगे तो सेल्स भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आंसर जो है वो ज़ीरो भी आ सकता है, स्लोप जो है वो आपका ज़ीरो भी हो सकता है। स्लोप ज़ीरो का मतलब क्या है कि देर इज़ नो चेंज। अब देर इज़ नो चेंज का मतलब क्या है, इसकी एग्जांपल जो है वो मैं अक्सर एग्जांपल कोड ये करता हूँ कि अगर आपके घर में 10 kg आपका आटा इस्तेमाल होता है, 10 किलो आपका आटा इस्तेमाल होता है या 20 किलो आपका जो है वो आटा इस्तेमाल होता है, ठीक है जी, तो आपकी आटे की प्राइस जितनी भी हो, अगर वो 50 रुपये kg है या वो 60 रुपये kg हो जाए या 70 रुपये kg हो जाए, तो आपकी घर की जो यूजेज है वो 20 kg की से कम नहीं होगी, ठीक है जी। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, मगर कुछ नेसेसिटीज़ ऐसी होती हैं लाइफ की कि जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जिसके अंदर हमारे पास उसकी अगर प्राइस बढ़ती भी है तो उसकी कंजम्पशन में, उसकी यूजेज के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम वहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ हमारा स्लोप जो है वो आंसर ज़ीरो देगा, क्योंकि वहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर आपका जो है वो आटा 100 रुपीज़ पर kg भी मिल रहा होगा, तब भी आपकी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है 20 kg की, आपको 20 kg ही कंज्यूम कर रहे होंगे, ठीक है जी। चाहे वो 50 से कम हो के 40 हो जाए, तब भी आप वो 20 kg यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 50 kg से वो 40 kg हो जाए तो आपने जो है वो 20 किलो से 25 किलो आटा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और अगर वो 50 से जो है वो 80 रुपये पर kg हो जाए तो आपने जो है वो क्या कहते हैं 20 kg के बजाय जो है ना 10 kg के अंदर गुजारा करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता। तो नेसेसिटीज़ के अंदर क्या होता है आपके पास, नेसेसिटीज़ के अंदर प्राइस चेंज, प्राइस जो है वो एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे कोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी, और एग्जांपल्स तो बहुत सारी हैं। तो उसमें क्या होगा आपके पास कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, तो वहाँ पे ज़ीरो स्लोप हो जाएगा, ठीक है जी। और जहाँ स्लोप एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको हम कहते हैं आपके पास इन्फिनिटी हो जाती है, वो उसको हम कहते हैं अनडिफाइंड स्लोप, ठीक है जी। जैसे अगर आपको बिल्कुल लेमैन फॉर्म में अगर बताया जाए कि जो आपका फ्लोर होता है, फ्लोर जो होता है उसके अंदर ज़ीरो स्लोप होता है, उसके अंदर कोई स्लोप नहीं होता, मगर जो आपकी वॉल होती है, ये जो आपकी वॉल है, इस वॉल के अंदर जो स्लोप होता है वो अनडिफाइंड स्लोप होता है। यहाँ पे अनडिफाइंड का मतलब होता है कि वो चीज़ जिसके अंदर स्लोप एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप के आंसर्स जो हैं वो 4 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ठीक है जी, वो ज़ीरो भी हो सकता है और वो अनडिफाइंड भी हो सकता है, यानी इनफाइनाइट आ जाए वहाँ पे। खैर, ये ओवरव्यू था आपका किसका, स्लोप का। हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू आ रही है माइनस में आ रही है, इसका मतलब यहाँ एक्स और वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक्स बढ़ेगा तो वाई कम होगा। देन मूव करते हैं हम किसकी तरफ, देन मूव करते हैं हम अपनी तीसरी चीज़, दैट इज़ द मिड पॉइंट। अच्छा जी, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था भाई आपके पास, मिड पॉइंट इटसेल्फ एक पॉइंट होता है, एक्स वाई ले लिया मैंने उसको, उसका फॉर्मूला था x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। तो अब यहाँ अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट कर दूँ तो वैल्यूज पुट करने में क्या आएगा भाई, x1 था मेरे पास 5, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू थी 8 डिवाइडेड बाई 2, और y1 की वैल्यू थी हमारे पास 7 प्लस y2 की वैल्यू थी -3 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये जो है वो ब्रेक कर क्यों लिखा था, ताकि हमें जहाँ भी पुट करनी हो वैल्यू, सिर्फ मैं वैल्यू देखूँ कि वहाँ पे कौन सी है और उसकी जगह पे, उसकी प्लेस पे उसको मैं रिप्लेस करूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू जो है, यानी पॉइंट फॉर्म में जो है वो क्या आ रही होगी, जब पॉइंट फॉर्म में वैल्यूज में लेके जाऊँगा तो क्या होगा, 5 + 8 विल बिकम 13 / 2, ठीक है जी, और यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, दैट विल बिकम माइनस, तो 7 - 3 विल बिकम 4/2, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली जो हमारा पॉइंट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, दैट इज 13/2, और 2 × 2 = 4, दैट इज 2। यानी यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको और, कि आपका जो भी पॉइंट होगा वो आपके पास फ्रैक्शन में भी आ सकता है और होल नंबर में भी आ सकता है, ठीक है, दोनों सूरतों में जो है वो आपके पास x की और y की वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना हो इसके अंदर कि अगर ये फ्रैक्शन में आ जाए तो, ये प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
अब आते हैं हम अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट पे, ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी है, सवाल हमारे पास ये है। जब हमने सवाल सॉल्व करना शुरू किया तो हमने देखा कि हमारे पास दो पॉइंट्स थे, तो अभी हमने फॉर्मूला लिखे हैं, उसके अंदर हमने लिखा था टू पॉइंट फॉर्म। चाहिए जी, इक्वेशन बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं टू पॉइंट फॉर्म। तो जब टू पॉइंट्स अगर हमें गिवन है तो हम डायरेक्टली टू पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो बाकी तीन को जो है वो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सिंपल पहचान क्या होगी कि जब भी आपको इक्वेशन बनानी होगी तो जो चीज़ गिवन होगी वही वाली कंडीशन इस्तेमाल करनी होगी। तो अब यहाँ आप हम लिखते हैं जो हमारी सेकेंड फोर्थ रिक्वायरमेंट है, वो क्या है हमारे पास, फोर्थ रिक्वायरमेंट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और इक्वेशन ऑफ अ लाइन में हम क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म। ओके, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हैं इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टू पॉइंट फॉर्म। और टू पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। क्लियर। अब ये जो y है ये आपका इक्वेशन का y है, इस पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। माइनस वाई वन की वैल्यू हमारे पास थी 7 डिवाइडेड बाय y2 हमारे पास था माइनस 3, फॉर्मूले का माइनस और y1 की वैल्यू 7। इसी तरीके से ये x इक्वेशन का है, फिर माइनस x1 की वैल्यू आ गई 5 डिवाइडेड बाय x2 है 8 माइनस x1 की वैल्यू 5। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो क्या बन जाएगा, ये y माइनस 7 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस होगा, 7 प्लस 3 10, साइन बड़े नंबर की रहेगी। x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 की वैल्यू बन जाएगी 3। इस स्टेप पे आके हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए ये जो y माइनस 7 था ये 3 इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, सही है। और ये जो माइनस 10 था ये इधर आके क्या होगा, x माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो इट विल बिकम 3y माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 7 21 माइनस प्लस माइनस 10 इंटू एक्स एक्स माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 5 50। इसको इक्वेशन फॉर्म में ले जाने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को लेफ्ट वाली राइट वाली वैल्यूज़ को लेफ्ट पे ले जाएंगे ताकि क्या बन जाए, ये इक्वेशन बने 3y माइनस 21 इक्वल्स टू सॉरी माइनस 10x तरह के हो जाएगा प्लस 10x प्लस 50 तरह के हो जाएगा माइनस 50 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको जब रीअरेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस 3y ठीक है माइनस 21 माइनस 50 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है तो ये हो जाएगा माइनस 71 क्योंकि साइन जो होती है वो आपके पास बड़े नंबर की होती है। तो यहाँ आपके पास वैल्यू हो जाएगी 10x प्लस 3y माइनस 71 दैट विल बी योर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है जी, तो यहाँ आपके पास क्या हो गया, यहाँ आपके पास हमने अभी टू पॉइंट्स से रिलेटेड जो चीज़ें थी हमने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर वो कवर करी। ठीक है जी, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो चीज़ें आई हमारे पास वो क्या क्या हो गई, आपके पास जो लीनियर के अंदर हमने डिस्टेंस निकाल लिया, इसके अंदर लीनियर के अंदर से जो है वो हम जिन्हें जो है वो स्लोप निकाला, टू पॉइंट्स की मदद से स्लोप भी निकाला। ठीक है जी, टू पॉइंट्स की मदद से हमने जो है वो मिड पॉइंट भी कैलकुलेट कर लिया और टू पॉइंट्स की मदद से हमने जो है वो यहाँ पे इक्वेशन भी निकाली। तो अभी हमने जब चीज़ें लिखी थी उसके अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर भी हमने यही चीज़ें स्टार्ट में लिखी थी, हमने डिस्टेंस भी लिखा था, हमने स्लोप भी लिखा था और हमने यहाँ पे मिड पॉइंट भी लिखा था। तो वो तीन चीज़ें तो हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताई है। ठीक है जी, आई होप कि इससे आपको जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। फोर्थ चीज़ जो थी वो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन थी। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन जो थी उसके अंदर चार पार्ट्स थे। तो पहला वाला पार्ट हमने यहाँ पे किया जिसमें हमारे पास क्या थे, टू पॉइंट फॉर्म थी। ठीक है जी, तो वो टू पॉइंट फॉर्म ने क्या किया, टू पॉइंट फॉर्म में टू पॉइंट्स के थ्रू आप इक्वेशन कैसे निकालते हैं हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कि इसको
अब हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर जो है वो टू पॉइंट्स के बाद जो है वो जो रिमेनिंग थ्री इक्वेशन फॉर्मेशन के टाइप्स हमने लिखी थी, जिसमें हमने पॉइंट स्लोप, स्लोप इंटरसेप्ट और टू इंटरसेप्ट फॉर्म था, हम एक एक क्वेश्चन उसका भी देखेंगे अभी, ठीक है जी, ताकि ये जो पार्ट है आपका लीनियर वाला पार्ट था वो आपको जो है वो रिवाइज भी हो जाए और वो कंप्लीट आपको जो है वो एक पास एक तरफ मिल जाए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है जी, वो था हमारा टू पॉइंट से रिलेटेड था, ठीक है जी। अब हम जो है वो इक्वेशन फॉर्मेशन का दूसरा जो टाइप थी उसके लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास, अलाइन पासेस थ्रू, अलाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 5 and minus 9 with slope minus 3, find the equation। ठीक है जी, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने क्या बताया था आपको, थोड़ी देर पहले हमने आपको ये बताया था कि जब हम इक्वेशन निकालते हैं तो जो कंडीशन हमारे पास गिविन होगी, ठीक है जी, हमने वही फॉर्म इस्तेमाल करनी है। लास्ट के अंदर, लास्ट क्वेश्चन के अंदर टू पॉइंट्स गिवन थे तो मैंने टू पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल की थी। इसके अंदर, इस सवाल के अंदर हमने लिखा अ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है विथ स्लोप, उसका स्लोप कितना है माइनस थ्री। अब मेरे पास एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मुझे टू पॉइंट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मुझे इस्तेमाल करना है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो अब इसका जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो जो चीज़ मुझे पास गिवन है यहाँ पे, वो पॉइंट गिवन है एक्स वन एंड वाई वन, ठीक है, एक्स वन वाई वन पॉइंट गिवन है 5 एंड माइनस 9, और स्लोप जो होता है एम कितना है यहाँ पे माइनस 3। पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं यूज़ करूँगा by using point slope form, ठीक है जी। तो point slope form क्या थी आपके पास, y minus y1 m x minus x1, okay। तो यहां आपके पास क्या हो जाएगा, ये y equation का y1 की value कितनी है minus 9। अभी बताया था आपको कि अगर कोई वैल्यू माइनस में आ रही होगी तो हमें क्या करना होगा, उसको ब्रैकेट में लिखना होगा। ये माइनस फॉर्मूले का है, और ये जो माइनस नाइन है ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है। फिर एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, दैट विल बिकम माइनस थ्री, ठीक है जी। एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी थी आपके पास, फाइव। ये एक्स और वाई इक्वेशन का है इसलिए इसके अंदर वैल्यू नहीं रखेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। ये हो जाएगा वाई प्लस नाइन equals to minus 3 into x minus 3x minus minus plus 3 into 5 15, ठीक है। और इक्वेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, इन सबको एक जगह ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा y plus 9 minus 3x इधर आके हो जाएगा plus 3x plus 15 इधर आके हो जाएगा minus 15। तो अरेंज करने में x पहले आएगा 3x, फिर आएगा y प्लस 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 क्या हो जाएगा आपके पास, 9 माइनस 15 विल बिकम 6, और साइन किसकी रहेगी, बड़े नंबर की रहेगी क्योंकि 15 माइनस का है। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। ये इक्वेशन किस कंडीशन पे बनाई हमने, जब हमारे पास एक पॉइंट और स्लोप गिवन था। टू पॉइंट की कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी, बड़ी थी, ठीक है जी। पॉइंट स्लोप के अंदर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जब छोटा होगा तो इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है जी। तो जो चीज़ आपको गिवन होगी वो चीज़ आप उस फॉर्म के अंदर पुट करेंगे, जब आप उस फॉर्म के अंदर वो चीज़ पुट करेंगे तो उससे आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, यानी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं किसका,
अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तीसरी फॉर्म का, ठीक है जी। और तीसरी फॉर्म हमारे पास क्या थी, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, अलाइन विद स्लोप 1/4 एंड इंटरसेप्ट स्लोप 1/4 एंड इंटरसेप्ट इक्वल्स टू -7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या कहा इसने भाई यहां पे, यहां पे इसने कहा आपको कि एक लाइन है जिसका स्लोप क्या है, 1/4, ठीक है जी। स्लोप 1/4, जब मैंने लास्ट क्वेश्चन में स्लोप कर बताया था आपको, तो मैंने आपको बताया था कि स्लोप जो है वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ठीक है जी, होल नंबर में भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अ लाइन विद स्लोप 1/4 एंड इंटरसेप्ट -7। जब भी आपके पास किसी लाइन की इक्वेशन के सवाल में स्लोप के साथ इंटरसेप्ट दे दे, तो आप समझ जाएं कि वो इंटरसेप्ट कौन सा है, वो हमेशा वाई इंटरसेप्ट देगा आपको। यानी अगर मैं इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में लेता हूँ, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन में आपके पास एम दैट इज द स्लोप, ठीक है जी, एम जो है वो स्लोप है वो 1/4 है, और ये जो इंटरसेप्ट दिया हुआ है वो बेसिकली क्या है, वो हमारे पास y इंटरसेप्ट है। ये अंडरस्टूड सी बात है, जिसको हमने b से रिप्रेजेंट किया हुआ है वहाँ पे, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात, ये जब भी इक्वेशन की फॉर्मेशन के सवाल के अंदर स्लोप के साथ इंटरसेप्ट देगा, तो वो अंडरस्टूड सी बात है, वो कौन सा इंटरसेप्ट होगा, दैट विल बी योर y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा बाय यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने क्या लिखी थी भाई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने लिखी थी y इक्वल्स टू mx प्लस b, ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस b। तो यहाँ पे वैल्यूज अगर पुट करें हम, तो क्या हो जाएगा, y m की जगह क्या आएगा, 1/4x प्लस b की जगह क्या आ जाएगा, -7। अब हम इसको जब फर्दर सॉल्व करते हैं, तो x इंटू 1 विल बिकम x/4 प्लस -7, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका ये है कि हम इसका LCM ले लें, ठीक है जी, और LCM से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस -7 को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, +7, यहाँ बच जाएगा x/4, ठीक है जी। अब ये 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y+7 इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो इसको अगर अरेंज करें, 4y + 7 दैट विल बिकम 28 इक्वल्स टू एक्स। अब मुझे x को पॉजिटिव रखना होता है, अभी तक जितनी भी हमने इक्वेशन निकाली, हमने यहाँ पे भी इक्वेशन निकाली थी, देखें x पॉजिटिव आ रहा था यहाँ पे, इससे पहले जो इक्वेशन निकाली थी उसके अंदर भी x पॉजिटिव आ रहा था। अब इस इक्वेशन में भी x पॉजिटिव रखने के लिए हम क्या करेंगे, ये 4y और प्लस 28 को लेफ्ट साइड से उठा के राइट पे शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास, इधर बचेगा 0, ठीक है जी, प्लस 4y इधर आके हो जाएगा -4y, प्लस 28 इधर आके हो जाएगा -28, क्लियर। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, जब मैं इसको लिखता हूँ x-4y-28 = 0, तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन, दैट विल बिकम द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग स्लोप एंड इंटरसेप्ट। ये हो गया आपका तीसरा वाला टाइप, ठीक है जी, थर्ड टाइप हो गया आपका, दैट इज पहला आपने किया टू पॉइंट फॉर्म, दूसरा आपने किया यहाँ पे क्या पॉइंट स्लोप फॉर्म, और तीसरी चीज आपने कर ली यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है जी। इसके सवाल का पैटर्न यही होगा, स्लोप के साथ इंटरसेप्ट दे देगा, ठीक है जी, पॉइंट के साथ स्लोप देगा, तो जो चीज़ आपको दी हुई होगी वही वाली फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है, दूसरी फॉर्म वहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है।
ठीक है। जैसे पॉइंट स्लोप गिविन था, तो यहाँ पे मैंने स्लोप इंटरसेप्ट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस सवाल के अंदर स्लोप इंटरसेप्ट यूज़ हो रहा था, तो मुझे यहाँ पे कोई और फॉर्म इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब हम लास्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जो हमारा लास्ट था वो क्या था, हमारा लास्ट था टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है जी। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा होगा टू इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए। हमने जो है वो तीन फॉर्म्स जो हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम जो है वो अपने लास्ट फॉर्म की तरफ उसका क्वेश्चन लिख रहे हैं। अलाइन विद एक्स इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 5 एंड वाई इंटरसेप्ट equals to minus 11, find the equation of a line, ठीक है जी। find the equation of a line। अब क्या हो गया आपके पास, अब क्लियर पिक्चर नजर आ रही है आपको। पहले सवाल के अंदर टू पॉइंट्स गिविन थे, सेकेंड क्वेश्चन हमने किया उसके अंदर पॉइंट और स्लोप बताया आपको, तीसरा सवाल जो करवा रहे हैं आपको हमने उसके अंदर स्लोप इंटरसेप्ट दिया, और फोर्थ सवाल के अंदर टू इंटरसेप्ट दे दिए। तो जब हम इसको सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू, ठीक है जी, एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है ए से, वो आ गई 5। वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू रिप्रेजेंट की जाएगी बी से, वो आ गई -11। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट अगर दोनों मेरे पास गिविन हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा बाय यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। जब टू इंटरसेप्ट फॉर्म है तो क्या हो जाएगी, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो x अपॉन a की वैल्यू कितनी आ गई, 5, प्लस y अपॉन b की वैल्यू कितनी है, -11 इक्वल्स टू 1। ये जो डिनोमिनेटर में माइनस है, वो डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता, वो क्या होगा, न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा x अपॉन 5 माइनस प्लस माइनस y अपॉन 11 इक्वल्स टू 1। ये ऊपर प्लस था, नीचे माइनस आ रहा था इस वैल्यू में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अल्टीमेट दोनों वैल्यूज के दरमियान माइनस में आ जाएगी वैल्यू। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, ठीक है जी। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, 5 और 11 का एलसीएम, क्योंकि दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो इनका एलसीएम बन जाएगा 55, ठीक है। 55 5 की टेबल में कहाँ आएगा, 11, तो इस 11 को मल्टीप्लाई कराना होगा x से, इट विल बिकम 11x। 11 के टेबल में 55 कहाँ आएगा, 5 पे, तो इस 5 को मल्टीप्लाई कराना होगा y से, 5 इंटू y, 5y इक्वल्स टू 1। ये 55 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 11x माइनस 5y इक्वल्स टू 55, और ये प्लस 55 उठाकर जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा -55 इक्वल्स टू 0, और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी टू इंटरसेप्ट फॉर्म से, ठीक है। क्लियर हुई बात ये। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया लीनियर के पार्ट को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक्स को डिस्कस किया है, लीनियर टॉपिक को स्टार्ट किया था, लीनियर के अंदर हमने चीज़ें डिस्कस करी, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, स्लोप ऑफ द लाइन, मिड पॉइंट एंड फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो ये चार मेन चीज़ें हमने डिस्कस करी, और मजीद फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के अंदर हमने जो है वो चार फॉर्म्स डिस्कस करी, जिसके अंदर हमने बिगनिंग के अंदर जो है वो आपको उसके फॉर्मूले लिखकर प्रोवाइड किए, और उसके बाद फिर हमने जो है
वो हर एक एक फार्मूले से रिलेटेड एक एक सवाल क्रिएट किया और पेपर में भी सवाल जो है वो इसी तरीके से आता है। ठीक है जी, जो डिस्टेंस मिड पॉइंट का सवाल होगा या डिस्टेंस स्लोप का सवाल होगा या इक्वेशन फॉर्मेशन होगी, वो मैंने पहला सवाल लिया था आपका। और उसके बाद अगर कोई छोटा सवाल या सबसीक्वेंट सवाल बनकर या एक और पार्ट मजीद बनकर आ जाता है, तो वो जो बाकी तीन सवाल हमने किए हैं जिसमें पॉइंट स्लोप, स्लोप इंटरसेप्ट और टू इंटरसेप्ट के सवालों को हमने कवर किया है, हमने बिल्कुल उसी पैटर्न को रखा है कि जो आपका पेपर में सवाल आते हैं। अगर आप पास पेपर खोल के देखेंगे ईयर वाइज तो आपको इस किस्म के सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेशन था बीकॉम पार्ट वन बिजनेस मैथ स्टार्ट्स के लिए। सेकंड सेशन के अंदर हम कुछ सवाल लीनियर के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लीनियर के कुछ सवाल स्टार्ट करेंगे जो पास्ट पेपर से रिलेटेड होंगे एंड देन वी विल मूव टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट। तो हमारी कोशिश होगी कि हम सेकंड सेशन के अंदर इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिवीजन को जो है वो सम अप कर आपको जो है वो प्रोवाइड करें, ताकि आपके पास टाइम हो, आप उसको रिव्यू कर सकें, उसकी प्रैक्टिस कर सकें। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मैं आपके पास जो है वो ग्रुप पे अवेलेबल हूँ। ठीक है जी, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, और जो भी कन्फ्यूजन होगी तो फिर हम आपको वो दूर करेंगे। तो फर्स्ट सेशन को हम यहाँ पे जो है वो लाकर स्टॉप करते हैं और इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो सेकंड सेशन के अंदर इसके बाद के टॉपिक के साथ जो है वो हम दोबारा मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।